चलते हैं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहब के गांव ऊंची रुड़की में चल रहे ब्लैंक डेयरी फार्म पर, जहां बलविंदर सिंह की मोर्रा नस्ल की भैंस का दूध दोहन कराया जाएगा। पूरे प्रसारण के साथ मोबाइल पर भी लाइव चल रहा है। दोहन के लिए बलविंदर की बिब्बो नाम की भैंस भी सज धज कर पूरी तरह तैयार है। नापतौल का सारा साजो सामान पहुँच चुका है। पहले थानों को खाली कराएंगे, फिर 3 बार में दोहन कराएंगे, उसमें से 1/3 घटाकर हिसाब किताब लगाएंगे कि बीबो ने 1 दिन में कितना दूध निकाला है। ये दोहन आज 15 दिनों के अंतराल में दोबारा कराया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बेचैनी के आलम में बीबो बढ़िया कारगुजारी नहीं दिखा पाई थी। बलविंदर सिंह भी इससे संतुष्ट नहीं था। दूध दोहन पर बलविंदर का लड़का अमनदीप है, जो कि दोहन से पहले बाल्टी को खाली करके दिखा रहा है। 3 बार का दोहन हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं, जो कि शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि जब थनों को खाली किया गया था तो 15 किलो 20 ग्राम दूध निकाला था बीबो ने। आप देखते हैं कि 3 बार के दोहन में ये कितना दूध निकालती है। ये बलविंदर की अपनी पाली हुई भैंस है। इसकी उम्र 11 वर्ष के करीब है। ये 7 बार ब्याह चुकी है। बलविंदर बता रहा है कि बीबो इनामी भैंस है, जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहला स्थान अर्जित करके लाखों रुपये बटोर चुकी है। इसकी माँ और नानी भी सुंदरता और दूध दोहन मुकाबलों की राष्ट्रीय विजेता रही हैं। इसके एक पड्डे का नाम महाबली है। महाबली का सीमन गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार किया गया है। कुछ एक पड्डे लाखों के रुपए के हिसाब में बिक चुके हैं। बलविंदर के तबेले में और भी गाय भैंस पल रही हैं, ये सब इनामी हैं। अगर हिसाब लगा कर देखें तो ये अब तक 35-40 लाख रुपये के इनाम जीत चुकी हैं। बड़े गर्व की बात है कि पंजाब सरकार द्वारा हर साल कराई जाने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बलविंदर रुड़की की किसी न किसी भैंस के गले में विजयी पट्टा जरूर सजाया जाता है। बात करते हैं इनामी पशु पालने वाले बलविंदर रुड़की से कि वो अपने पशुओं को कैसा आहार देता है। बलविंदर जी, आज आपकी भैंस की यह दूध दोहन हम लोगों ने करवाया है, लेकिन कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने करवाया था, तो ऐसी कौन सी कारण रहे, क्या कारण रहे जिसकी वजह से इतनी जल्दी आपको फिर जे कार तो वो था भी हमारी तसल्ली नहीं हुई भी इसको जो दूध जितना निकालना चाहिए उतना दूध नहीं निकाला, इस करके इसकी चुवाई है फिर दोबारा कराई है। उस समय जो था कितना किया था इसने दूध? उस टाइम इसकी चुवाई वो कही थी वो 25 किलो 300 ग्राम दूध दिया था इसने। और अब आपको क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद है भी 28 किलो तो 29 किलो के बीच क्रॉस करना चाहिए। आज जैसे पहला दोहन हुआ तो कितना निकला है? तो थन जिस दिन थन खाली करे कल 15 किलो 20 ग्राम, ते आज जो फर्स्ट दूजी चुवाई च इन्हें 14 किलो 200 ग्राम। तो आगे जो है दो ब्याह था, दो चुवाइयां आप और कराएंगे, उसके बाद फिर उसका रेशो निकालेंगे? हाँ जी, दो चुवाइयां और करा के उसका हम तो आशा भी जो अगली चुवाइयां में दूध बढ़ाएगी। अच्छा, तो इसका इस भैंस का बताएंगे कुछ इतिहास क्या है? इसका इतिहास है, इसकी जो माँ थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी 27-28 किलो दूध मेरे घर में उसका भी निकाला आया था, ये उस तो भी जानी बढ़िया सुपर है। तो इसकी माँ ने भी मुकाबले जीते, इसने भी जीते? इसकी माँ ने भी मुकाबला एक बार मुकाबले मकसद वो भी जीत गई है। और ये कितनी बार जीत चुकी है? ये 3 बार मुकाबला नेशनल पद्धर नेशनल पद्धर तो पीडीएफ है कभी जो जिला पीडीएफ में भी एक बार पीडीएफ में जीते। तो मेरे कितने लाख के करीब इनाम जीत चुकी हुई है अब तक? करीब कोई 8-9 लाख के करीब इन्हें इनाम मैनू जीत के देते। अच्छा बलविंदर जी, इसकी खुराक के बारे में बताएंगे कि आप इसको क्या क्या देते हैं? जी, यदि खुराक है जी, इसमें मैं 15 किलो के करीब खुराक दिना, जिदे बिच चने की चूरी, कणक का चोकर, बनोले की खल और गेहूं का दलिया, 2 किलो गुड़, सरसों का तेल पाइया। अच्छा, गुड़ को बात मानते हैं बलविंदर, गुड़ को कितना गुणकारी मानते हैं पशुओं के लिए? गुड़ का गुणकारी तो बहुत है, ये लीवर वास्ते बहुत अच्छा है, खून भी बढ़ाता है और इससे पशु बहुत तंदुरुस्त रहता है। जैसे हाजमा ठीक रहेगा तो पशु जानवर उतने अच्छा रहेगा।
तो तेल का क्या फायदा रहता है? सरसों के तेल का ये फायदा है भी जब पशु नु इतना 2.5 किलो दूध निकालना है, कितनी उसके मखनी घेव निकलता है वो ताही पूरा होएगा जैसे उस नाल तेल दिए या घी दिए। सरसों के तेल को अच्छा मानती है, घी को नहीं अच्छा मानती। अच्छा, पूरी ब्यांत में पूरे सुबह में इसके दूध की जो एवरेज कितनी रहती है करीब? ये जो 5 महीने भी मैं ब्याही तो बाद है, इसका दूध 20 किलो जो क्रॉस होता है। तो एक ब्यांत में कितने महीने दूध देती है ये, कितने दिन तक? ये एक ब्यांत में सिर्फ 2-2.5 महीने पहले इसमें छोड़ दिया। तो एवरेज दूध की फिर एक बार फिर बताएंगे कितनी हो जाती है इसकी? एवरेज तो ये मान लो भी 20 लीटर के नेड़े तेड़े एवरेज रख देती है सुबह की। अच्छा, तो 18-20 तो कितनी फैट रहती? फैट इसकी 7 तो ऊपर आती है, 7-5, 7-2, 7-4। अच्छा, तो इसको इसको आपने किसका सीमन दिया था? इसको मैं P288 का सीमन दिया था। तो आपके तो अपने भैंसे बड़े अच्छे हैं, तो उनका क्यों नहीं दिया आपने? वो क्यों जो जो वही नस्ल जो हम दोबारा टीका लगाएंगे वो ब्रीड अच्छी नहीं बनेगी, क्यों एक ब्लड की है, एक ब्लड की जो दोबारा दोबारा कराई जाएंगे वो ब्रीड सुधरेगी नहीं, क्यों जो इसकी माँ है महाबली है उसको कैसे कराएंगे। तो कितनी बार ब्याह चुकी है आपके पास ये? मेरे पास ये 7वीं बार ब्याही है। कितनी उम्र है इसकी? 12-13 साल इसकी उम्र है। अच्छा, 12-13 साल इसकी उम्र है। तो कितनी पड्डे पड्डियाँ दी इसने? इसने 4 पेडे दिया थे, 2 पेडी दी है। अच्छा, इसमें सेक्सी में नहीं चलता क्या? इसके नहीं, मज के कोई सेक्सी में नहीं है, गौ का सिक्सा मिनट बढ़िया। अच्छा बलविंदर जी, एक बात और बताओ, कहते हैं जो चर्बी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो दुधारू पशुओं के लिए अच्छी बात नहीं है, तो उसको रोकने के लिए फिर आप क्या करते हैं? नहीं, जो चर्बी बढ़ती है उसको एक तो पाउडर ज्यादा दो, तो उसको जो ज्यादा फैट वाली चीज है वो कम देनी चाहिए। तो फिर क्या देते हैं आप उसमें? हम तो इसको चने चूरी जो ड्राई करते हैं, चने की चूरी देते हैं, उसमें तेल नहीं है, ड्राई है, तड़के चोकर में भी तेल नहीं, कैल्शियम है, कैल्शियम इसको पशु जानवर को चाहिए। अच्छा बलिंदर, जब ये दूध पर होती है या दूध पर या ड्राई होती है तो उस अंतराल में जो है आप जो खुराक का कोई फर्क होता है? हाँ जी, जब दूध इसको जो छोड़ना होता है फिर खुराक इसकी कम करनी पड़ती है। वो क्यों? क्यों जो ज्यादा खुराक दी जाएंगे तो इसको फिर दूध टलेगी नहीं, फिर तो दूध दी जाऊंगी। दूध से ड्राई करने के लिए खुराक कम करनी, खुराक कम करनी पड़ेगी। तो हरे चारे का क्या महत्व है? हरा चारे ना तो जो इस जो जानवर ने है हरे चारे के ही, इसका जो पेट ऐसा है इन हरा चारा बहुत जरूरी है, इन हरा चारा डेली चाहिए, डेली चाहिए, डेली चाहिए। अच्छा, पानी का जैसे गर्मी आ गई, सर्दियां आ गई हैं, तो कितना बार जो है पानी इसको चाहिए? पानी तो हम तो इसका जो है टब इसके आगे रखते हैं, पर फिर जो जानवर एक साइड में खड़ा है तो उसको 4 बार पानी पिलाना चाहिए। 4 बार सर्दियों में? सर्दियों में 3 बार, सर्दियों में 3 बार। तो पानी ज्यादा पिलाने से दूध की फैंट के ऊपर भी या वैसे दूध का फर्क पड़ता है कुछ? जितना पानी ज्यादा पीता है उसने दूध बढ़ाती है, दूध बढ़ाई तो दूध फिर पतला भी हो जाता होगा? थोड़ा पतला होता है, जो जितनी दूध ज्यादा निकलता है उसका थोड़ा फैट कम हो जाता है, फैट कम हो जाती है। तो बलविंदर जी, बहुत बढ़िया जैसे जानकारी आपने हमें दी है, तो किसान जो दुधारू पशु पालते हैं खास करके मुर्गा, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं तो यही संदेश दिना भी जो आप जिथे 8 पशु रखने ने उत्थे चाहे 4 रख लो, अच्छी ब्रीड के पशु पालो। तो आपके पास कितनी भैंसे हैं? मेरे पास कुल मिला के सारे कोई 30 पशु है। इसमें कितने इनामी हैं? मेरे को दूसरा कोई जानवर है नहीं, मेरे सारे पशु इनामी ने, सारी इनामी, सारी इनामी, कोई भी ऐसा नहीं है इनामी ब्रीड में लड़ेगा, कोई दूध चुवाई में लड़ेगा, मुकाबला हर एक लड़ेगा। हर तो कौन कौन से आपने पाल रखे हैं भैंस है जैसे कह रहे? मेरे पास साहिवाल गौ भी है, HF भी है, ते मोरा मज्जा और नीली रावी भी मैं पाल के। तो नीली रावी का दूध कितना होता करीब? नीली रावी जो मेरे पास और रिकॉर्ड है वो 20 किलो का। साहिवाल का? साहिवाल का 22 किलो। HF का क्या रहा? HF का 55 किलो। 55 किलो तो वो गाय जो थी आपकी काली वाली? काली वाली गाय। तो वो गाय तो है ही, ब्यूटी में भी 3 बार चैंपियन बनी हो PDF पे मेले में। हाँ, तो आप आगे उसकी कोई बछिया? आगे उसके एक बछड़ी में रखी है, जो बछड़ा था वो लेगेसी
गोरे बाहर दूजी अदर स्टेट लगी। अच्छा, तो इसका कितना दूध है जो उसकी बछिया? इसने पहला ब्यात में 40-45 किलो दूध दिया। अब दोहन कार्य पूरा हो चुका है, चलो देखते हैं कि नतीजे क्या रहे। भारतौलक बता रहा है कि पहली बार के दोहन ने बीबो ने 14 किलो 250 ग्राम दूध निकाला है। दूसरी बार में 13 किलो 770 ग्राम दूध निकाला है। जबकि तीसरी बार में 14 किलो 940 ग्राम दर्ज कराया है। इस तरह से कुल जोड़ बना 42 किलो 960 ग्राम। अब इसमें से एक तिहाई कम करने पर 28 किलो 640 ग्राम दूध रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पंजाब में नया कीर्तिमान माना जाएगा। बलिंदर जी, हाँ जी, आज आपने इसका दूध दोहन कराया है भैंस का। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम बीबो है। बीबो। तो क्या रहा हिसाब किताब? हिसाब किताब इसका पहली चुवाई 15 किलो 20 ग्राम जब थन खाली की, थन खाली की है। हाँ। और जो फिर फर्स्ट चुवाई फिर करी, फिर 14 किलो 250 ग्राम। हाँ। और जो फिर तीसरी चुवाई करी 13 किलो 770 ग्राम। हाँ। और जो लास्ट चुवाई करी फिर 14 किलो 940 ग्राम दूध दिया इसने। तो इस तरीके से जोड़ के कितना हो गया ये? इसका जो अपन जो जोड़ते हैं चुवाई, सरकार जिम्मे गवर्नमेंट चाहती है, उस हिसाब ना 12 घंटे का 28 किलो 640 ग्राम दूध निकाला है। ठीक है, मुबारक है आपको बहुत बहुत। थोनू भी बहुत धन्यवाद। अमन जी आपको भी बहुत मुबारक है, तीन दिन आपने लाइव दिखाया। हाँ जी, हाँ जी, पूरा मन खुश करता जी, मझ ने भी ते कमेंटा ने भी, कमेंटा ने भी बहुत वधिया लाइव ते सारे ने देख ली। बाकी सब नूं पता ही है भी अपने तो लोग सियाने ने, सारे ने टोटल अपने नूं पहला ला लिया, पर टोटल बाद च लाया, लोगों ने पहला ला लिया।